हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सोया और मसूर दाल की भाजी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और हेल्दी है। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही क्विकली है, 10 से 15 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाती है और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि बच्चे भी इसे खुशी खुशी खा लेते हैं और टिफ़िन्स में देने के लिए ये भाजी परफेक्ट है। तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने लिया है एक गड्डी यानी एक बंच सोया की भाजी, इसे शेपू भी बोला जाता है मराठी में, और यह एक कप मसूर दाल। मसूर दाल की जगह पर आप लोग मूंग की दाल भी ले सकते हैं। अब जो मसूर की दाल है इसे हम लोग 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके भिगा देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। तो जब तक ये मसूर की दाल भीगती है हम लोग जो शेपू की भाजी है सोया की भाजी उसको कट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका जो नीचे की डंडिया है उसको हम लोग कट कर लेंगे और बाकी की भाजी में से जो पीले पीले पत्ते हैं उसको हम लोग निकाल देंगे और इसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसे चॉप कर लिया है। इसे चॉप करने से पहले इसके पत्तों को मैंने 2 से 3 बार पानी में डुबो डुबो के निकाला था क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है। कोई भी लीफी वेजिटेबल को कट करने से पहले आपको उसे 2 से 3 बार अच्छी तरीके से पानी में डुबा डुबा के निकालना होता है ऊपर से, ताकि जो भी मिट्टी है वो पानी में नीचे रह जाए। तो अब जो सोया की भाजी उसको कट करके मैंने तैयार कर लिया है, अब हम बाकी की तैयारी करते हैं। यहाँ पर एक टम्बलर में मैंने लिए है 5 से 6 हरी मिर्चें और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 9 से 10 लहसुन की कलियाँ और इसे हम लोग सूखा दरदरा भी ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको सूखा सूखा ही आपको ग्राइंड करना है। इसे ग्राइंड करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे मैंने लिया एक कांदा और अब ये जो कांदा है इसको हम लोग इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लेंगे, एकदम फाइन स्लाइसिस में इसको कट करना है। तो अब हम लोग भाजी हमारी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ली है मैंने और कढ़ाई में अब मैं ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून यानी 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे और इसमें अब हम लोग ऐड करेंगे प्याज और प्याज को अच्छी तरीके से हम लोग फ्राई करेंगे जब तक कि ये हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो प्याज है वो हल्की हल्की सी फ्राई हो गई है। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था और इसको हम लोग अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे प्याज के साथ। जैसे ही आप इस पेस्ट को फ्राई करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी इसमें से। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक इसमें ऐड किया है और अब इसे हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसे भी हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सोया की भाजी जिसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके एकदम फाइन चॉप कर लिया है। इसे ऐड करते वक्त आपको ध्यान देना है कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको आप अच्छी तरीके से निकाल के इसे ऐड करें और अब इसे हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करके हम लोग इसे हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, जब तक कि ये जो भाजी है ये थोड़ी सी श्रिंक नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भाजी अच्छे से श्रिंक हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसूर की दाल जिसे हम लोगों ने भिगो के रख लिया था आधा घंटा पहले और अब इसे हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे भाजी में। मसूर की दाल आप लोग इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इसमें डालनी है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपको कम करना है तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। अब हम लोग भाजी को कवर कर देंगे और इसे हम लोग दम पे छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बीच बीच में हम लोग इसे चेक करते रहेंगे और हाँ, इसमें हम लोगों को एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। जो सोया का पानी छूटेगा उसी में मसूर की दाल पक जाएगी। तो अब तकरीबन 15 मिनट तक के मैंने इसे स्लो फ्लेम पे पका लिया है। बीच बीच में मैं इसे चेक कर रही थी, इसे स्टर कर रही थी और आप देख सकते हैं अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और जो मसूर की दाल है इसे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मसूर की दाल भी अच्छी तरीके से गल चुकी है। इसको हम लोगों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता है मसूर की दाल को, बस ये अच्छे से प्रेस हो जाए इतना ही आपको इसे गलाना है। ज़्यादा आपको ये दाल को गलाना नहीं है क्योंकि अगर दाल ज़्यादा गल जाती है तो ये खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो
इसीलिए इसमें खड़ी खड़ी ही हम लोग दाल को रखते हैं, इतना ज़्यादा इसको नहीं पकाना है कि जो दाल है वो मैश होना शुरू हो जाए। तो बस अब हमारी भाजी हो गई है तैयार, इसे हम लोग फटाफट गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारी गर्मा गर्म सोया की भाजी मसूर की दाल के साथ बनके तैयार हो गई है। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और क्विक रेसिपी है ये। इस तरह से अगर आप सोया की भाजी को बनाएंगे मसूर की दाल के साथ, और इसे आप लोग बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही बच्चों को गर्मा गर्म रोटी चपाती पराठे के साथ सर्व करेंगे, बहुत ही खुशी खुशी वो लोग खा लेंगे ये वेजिटेबल, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो ये जो रेसिपी है गाइस, इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। और गाइस, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल झटपट खाना को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।